बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल मनान। बाय प्रोफेशन मैं फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। हमारे साथ आज हमारे जो ऑनलाइन गेस्ट मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अहमद फ़ारूक, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हैं, हेड ऑफ एमरजेंसी एंड ICU मदीना टीचिंग हॉस्पिटल फैसलाबाद, मेडिकल एंड ICU स्पेशलिस्ट फैसल हॉस्पिटल फैसलाबाद से। रिसेंटली जो कोविड का आउटब्रेक हुआ था, पेंडेमिक था, उसमें इन्होंने इनकी टीम ने इनकी सुपरविजन में मोर देन 1000 कोविड पेशेंट जो हैं उनको ट्रीट किया सक्सेसफुली। इससे पहले डॉक्टर अहमद फ़ारूक नेशनल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर DHA लाहौर में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, और साथ साथ डॉक्टर हॉस्पिटल लाहौर में और लाहौर जनरल हॉस्पिटल में भी ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। मेरा जितना ताल्लुक है प्रोफेशनली और पर्सनली, मैं जितना डॉक्टर अहमद फ़ारूक को जानता हूँ, अगर इनके बारे में मैं एक बात इनकी पर्सनैलिटी को सम अप करना चाहूँ, तो इन अ ट्रू सेंस ही इज़ अ मैन वी कैन से डाउन टू अर्थ एंड अप टू स्काई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अहमद फ़ारूक, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच जी वालेकुम आपके सलाम। टाइम का। आप अभी भी आई थिंक ड्यूटी पे हैं, हॉस्पिटल में हैं, और आपने अपने कीमती वक्त में से अपना टाइम निकाला। और आज का हमारा जो टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल या गुड डॉक्टर जो है, हमने ये फील किया कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ में हमें एजुकेशन जो दी जाती है वो एक फॉर्मल एजुकेशन हमारी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनके मुतल्लिक ही दी जाती है, लेकिन जो हमारी पब्लिक डीलिंग है उसके मुतालिक शायद हमें बहुत ज़्यादा गाइड नहीं किया जाता। तो इस सिलसिले में मैं आपसे ये जानना चाहते हैं हम लोग के हमारे एक कॉमनली जो ख्याल किया जाता है कि एक अच्छा डॉक्टर या एक कामयाब डॉक्टर वो है जिसके नाम के साथ बहुत सी क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेशंस या डिग्रीज मेंशन हुई होती हैं, या फिर जिसका बड़ा सा पेट निकला होता है और बाल उड़े होते हैं। क्या एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ फॉर्मल क्वालिफिकेशन काफी होती है, या इसके अलावा भी डॉक्टर में कुछ खूबियां होनी चाहिए? जी अब्दुल मनान, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। बहुत सारे लोग डॉक्टर्स की डिग्रियां पढ़ के, उनका एक्सपीरियंस देख के और लंबी चौड़ी क्वालिफिकेशन देख के उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जहां डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन की अहमियत है, उससे ज़्यादा अहमियत डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की है। और मैं इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ किस तरीके से बिहेव करता है, वो अपने पेशेंट को किस तरीके से हैंडल कर रहा होता है। आए रोज जो हॉस्पिटल में वाकयात होते हैं, पेशेंट की डिससेटिस्फेक्शन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, इवन फिजिकल असॉल्ट होते हैं डॉक्टर्स पे, उसमें इवन सीनियर डॉक्टर्स भी समटाइम्स इसके लपेट में आ जाते हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें कम्युनिकेशन गैप आता है। जो डॉक्टर जितना ज़्यादा सीनियर है, जितना एक्सपीरियंस्ड है, वो अपने पेशेंट के ऊपर उतना ही ज़्यादा रोब झाड़ने में और उसे टॉन्ट करने में खुद को हक बेजानब समझता है कि मैं बहुत सीनियर हूँ, मैं प्रोफेसर लेवल का डॉक्टर हूँ, तो मेरे पेशेंट को जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मेरे साथ डिसअग्री करे या मेरे से कोई ऐसा क्वेश्चन करे जो मेरे लिए नापसंदीदा है। तो मेरे ख्याल में आप जितने ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, आप उतने ज़्यादा हम्बल होते हैं, आप अपने पेशेंट के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं और आपका पेशेंट आपके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आपका पेशेंट आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में आपको अपने बिहेवियर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सही। हाँ, आपने ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि हमारे यहाँ अक्सर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में जो लवाहिकीन होते हैं, अटेंडेंट्स जो होते हैं, वो किसी भी अनएक्सेप्टेबल कंडीशन में पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर्स ऑब्वियसली खुदा नहीं होते, वो एक वसीला होते हैं, वो अपने पूरी अपना आउटपुट दे रहे होते हैं किसी भी पेशेंट को लेके, लेकिन कहीं पर कोई ना कोई बात या तो मैनेजमेंट की तरफ से या मेडिकल स्टाफ की तरफ से ऐसी कर दी जाती है, या फिर वैसे किसी भी नागानी सूरत हाल में पेशेंट जो है वो उसको एग्जेजरेट करते हैं और तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं।
ऐसी कंडीशंस में डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट जो है अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर रहा है या डॉक्टर्स को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, तो मेडिकल स्टाफ, हाउस ऑफिसर्स या मेडिकल ऑफिसर्स जो प्रोफेसर हैं, अगर उन तक ये बात पहुंचती है, तो उनको ऐसी कंडीशन को कैसे देखना चाहिए और कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, पहली बात ये है, जैसे हम आमतौर पे यूज करते हैं, कॉमन वेल सेइंग है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होनी चाहिए। ये सिचुएशन क्रिएट क्यों होती है, पेशेंट डिससेटिस्फाई क्यों होता है? फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जब पेशेंट और डॉक्टर का फर्स्ट कॉन्टेक्ट होता है, तो अगर डॉक्टर उस वक्त भी पेशेंट के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करना शुरू कर दे, राइट फ्रॉम द जीरो, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, तो पेशेंट की सेटिस्फेक्शन उसी वक्त से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। पेशेंट के अराइवल पे, एमरजेंसी में पेशेंट आया है, क्रिटिकल आया है, आप सिर्फ अच्छे तरीके से उसे बात कर लें, उसकी बात अच्छे तरीके से सुन लें। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे बहुत सारे लोग आमतौर पे ट्रस्ट करने वाले हैं, वो इन चीजों को समझते हैं कि शिफा में जानिब अल्लाह है, हमारा मरीज ठीक होता है या नहीं होता, उस इसकी रिकवरी होती है या नहीं होती, डॉक्टर ने हमें अच्छे तरीके से ट्रीट किया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर ने हमारी बात सुनी, हमारे पेशेंट को ट्रीट किया, इस सब के बावजूद अगर हमारा पेशेंट जानबर नहीं हो सका या रिकवर नहीं हो सका, तो ये अल्लाह ताला का हुक्म था। लेकिन पेशेंट डॉक्टर की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। अगर स्टार्ट में डॉक्टर की तरफ से, पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो फिर बाद में पेशेंट सेटिस्फाइड रहता है। अब आपने बात की कि अगर एक ऐसी सिचुएशन डिस्प्यूट वाली पैदा हो जाए, तो फिर क्या करना है? क्योंकि वो डिस्प्यूट इसलिए हुआ कि पेशेंट जो थे वो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के बिहेवियर से मुतमिन नहीं थे। पेशेंट को उसकी ट्रीटमेंट का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि पेशेंट को तो ये नहीं पता होता कि कौन सा इंजेक्शन किस मर्ज के लिए है और कौन सा इंजेक्शन ठीक है, कौन सी मेडिसिन ज्यादा ठीक है। उन्हें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के बिहेवियर की प्रॉब्लम होती है कि हमारी बात नहीं सुनी गई, हमें आगे से झिड़कते हैं और हम टॉन्ट करते हैं, हमने ये क्वेश्चन किया और उन्होंने आगे से कहा कि अच्छा डॉक्टर तुम हो या मैं हूँ, बीबी आराम से बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ। जब इस तरह की बातें शुरू होती हैं, तो इसका एंड रिजल्ट जो है वो लड़ाई, झगड़ा, तोड़ फोड़ और फिजिकल असर निकलता है। अगर आपने ये सारे काम किए होते हैं, तो यहां तक ना पहुंचते। हाँ, बता, अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो ही गई है, तो फिर दो सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो अगर पेशेंट बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है, वो हो सकता है आपकी बात सुनने के लिए तैयार ना हो। अगर वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर तो ऑब्वियसली मुज़ाकरात उस वक्त पॉसिबल नहीं होते, फिर सिक्योरिटी मैटर बन जाता है और सिक्योरिटी वालों ही को आपको कॉल करनी पड़ती है और पुलिस वालों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता अगर आप देखते हैं कि किसी तरीके से मिल बैठ के बात हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो जरूर एक सीनियर बंदे को उनमें बैठना चाहिए। जो डिससेटिस्फाइड लोग हैं उन्हें आप बैठाएं, वो 8 हैं या 10 हैं, उन सभी को रूम में बैठाएं, उनके साथ बैठ के बात करें, उनमें कोई जूनियर डॉक्टर बात ना करे। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जब आपको सुननी ज्यादा होती है और सुनानी कम होती है। अगर आप उन्हें बैठा के अपनी बातें सुनाना शुरू कर देंगे, तो वो शायद मुतमिन नहीं होंगे। पहले 5 या 7 या 10 मिनट दें, उन्हें बोलने दें, तहम्मुल के साथ उनकी बात को सुनना पड़ेगा। जो वो कहते जा रहे हैं, उनकी शिकायत हैं, उनके कुछ गिले शिकवे हैं, वो आप कॉपी पेंसिल करें, नोट करते जाएं। ये आप उन्हें यानी बताना चाह रहे होंगे कि आप उनका प्रॉब्लम सुनने में और सॉल्व करने में सीरियस हैं। नोट्स तैयार करें, उन्हें बताएं कि जी आपकी सारी बातें ठीक हैं, जायज हैं, उनकी बात सब्रो तहम्मुल से सुने। अगर आप उनकी बहुत सारी बातें सुन लेंगे, तो इससे वो बहुत ज्यादा कूल डाउन हो जाएंगे। फिर जब आप देख लेंगे वो कूल डाउन हो चुके हैं, तो फिर आप कुछ अपने मजबूरियां बता सकते हैं कि हमारे सिस्टम में ये फ्लॉज हैं, ड्रॉबैक्स हैं, हम इन्हें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उनकी जायज बातें हैं उन्हें आप फौरी तौर पर उन पर एक्शन लें और रिमूव करें। तो इनसे सारे के सारे मामला मुजाकर से हल हो सकते हैं।
सही। अभी आपने बात की कि डॉक्टर्स अमूमन ये कहते हैं, हमने उनको कहते सुना है कि पेशेंट को ये कह देते हैं कि डॉक्टर मैं हूँ या आप हैं, मतलब जो मैंने आपको ट्रीटमेंट दे दिया है या कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है ये आपके लिए बेहतर है, आप उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। अमूमन हमने ये देखा है पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर्स में, जहाँ पर पेशेंट का जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है या स्टेटस को की बात आती है, तो वो डॉक्टर से मैच नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से शायद पेशेंट बहुत सी बातें डॉक्टर के सामने बयान नहीं कर सकता, या फिर बाजू का हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट को असेस करते हुए, उनको टच करते हुए या उनसे कम्युनिकेट करते हुए एक लैंग्वेज गैप आ रहा होता है या फिर एक स्टेटस का गैप आ रहा होता है, तो इस गैप को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, और जो हिस्ट्री टेकिंग है और डायग्नोसिस है और पेशेंट को उनके ट्रीटमेंट के मुतालिक समझाना है, हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं जितने भी हमारी यंग डॉक्टर्स कम्युनिटी है। देखिए, इसमें बातें वही आ जाती है। बहैसियत डॉक्टर कुछ क्वालिटीज एक सक्सेसफुल डॉक्टर में होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में शायद उन्हें बहुत पॉजिटिव ना लिया जाता हो। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक सिग्नल का कोई इशू है। मैं यहाँ पर एक बात ऐड करता चलूँ जब तक डॉक्टर अहमद वापस आते हैं। हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी के, मेडिकल कम्युनिटी के, और ना सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के बल्कि पॉलिटिकल कम्युनिटी के भी, उकाड़ा सिटी में जो मेरा होम टाउन है वहाँ पर डॉक्टर लियाकत अली कोसर, एक ना सिर्फ नामवर डॉक्टर, उनकी आज सुबह डेथ हुई। मैं उनके बारे में एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो पर्सनली मैंने उनको ऑब्जर्व किया, उनके साथ मैंने काम किया, उनके साथ एक पुराना रिलेशन था। डॉक्टर लियाकत अली कौसर के कुछ अर्सा पहले उनके एचएलएस टेंडन जो है वो ब्रेक हो गया और इंजरी हो गई, उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया गया और उनको बेड रेस्ट रिकमेंड किया गया, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे उनके पास एक केस आया और उनकी जब टीम ने उनको बताया कि जी एक क्रिटिकल पेशेंट है और उनका ऑपरेट करना है, तो उन्होंने विदाउट डिलेइंग अपनी सुपरविजन में, विद द हेल्प ऑफ वाकर, वो खड़े हुए ऑपरेशन थिएटर में और अपनी टीम को गाइड करते गए, और उन्होंने रेस्ट नहीं किया, और उसके बाद भी उनकी इतनी कंडीशन ख़राब थी कि उसको एक बहाने के तौर पर वो मेडिकल लीव ले सकते थे, लेकिन वो अपने रूम के बाहर टेबल और चेयर रख के, वो अपना पाँव सामने टेबल पर रख के उसको रेस्ट दे रहे थे और लोगों को कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे थे। तो हमारी कम्युनिटी में इस तरह के लोग भी मौजूद हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। डॉक्टर अहमद फरूक ने भी ज्वाइन किया, उनकी तफातें हैं कि हमें बता रहे थे कि हम अपने कम्युनिकेशन गैप को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, खासकर वो डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट सेक्टर में, BHUs में या DSU TSUs में काम कर रहे हैं, वो पेशेंट के साथ किस तरह से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जी डॉक्टर अहमद फारूक। जी, तो इसमें जो अच्छी कम्युनिकेशन के कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें आप पेशेंट की किसी भी बात का बुरा नहीं मनाते, आप पेशेंट की किसी भी बात को एडवर्सली रिएक्ट नहीं करते, पेशेंट का लफ्जी मतलब आप लोग भी समझते हैं, पेशेंट का मतलब है ऐसा शख्स जो किसी आजमाइश में से गुजर रहा है और वो सब्र शुक्र करके बैठा हुआ हुआ है। अब आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो, वो तो डिजीज है, एक प्रोसेस से गुजर रहा है, तो वो अपनी इरिटेबिलिटी की वजह से, इरिटेशन की वजह से, डिस्कम्फर्ट की वजह से कोई कड़वी कसीली बात भी कह सकता है, तो आप उसे पेशेंट समझते हुए इग्नोर करते हैं और पेशेंट को हौसला दें, तसल्ली दें। उसके अटेंडेंट्स भी बेसिकली पर्सनली आपके साथ मिसबिहेव नहीं कर रहे होते, वो अपनी बीमारी की वजह से इतने अनकंफर्टेबल होते हैं कि वो बाज़दफा कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो आप माइंड करते हैं, लेकिन एडवर्सली रिएक्ट ना करें। हाँ, अलबत्ता अगर पेशेंट आपकी ट्रीटमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा किसी तरीके से, तो पेशेंट को मल्टीपल ऑप्शंस दें। जाहिर है, आप जिस भी हेल्थ केयर सिस्टम में बैठे हुए हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, टॉप इज ऑलवेज वेकेंट। आपके हेल्थ केयर सिस्टम से अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम आपके सिटी में, आपके कंट्री में या इवन आउटसाइड कंट्री भी अवेलेबल हो सकता है, तो आप पेशेंट को मल्टीपल ऑप्शन देते हैं कि देखें अभी फिलहाल हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है,
आप इन्हें बड़े शहर में मूव कर सकते हैं या किसी बड़े हॉस्टल में मूव कर सकते हैं, और ये बात उन्हें इस तरीके से ना कहें कि उन्हें ये फील हो कि डॉक्टर साहब मुझे दिखा दे रहे हैं या मेरे से जान जुड़ा रहे हैं। उन्हें सिंपथेटिक वे में बताएं कि हमें पेशेंट की रिकवरी की और सेहतयाबी की बहुत फिक्र है, तो अनफॉर्चुनेटली ये सहूलत हमारे पास नहीं है, इसके लिए हम आपको फलां जगह पे रेफर कर देते हैं ताकि इनका अच्छा ट्रीटमेंट हो सके। तो उससे एक डिससेटिस्फाइड पेशेंट जो है या तो वो इस चीज पे सेटिस्फाई हो जाएगा कि चलें फिल वक्त जो कुछ अवेलेबल है हमारे पास हम इसे भी गुजारा कर लेते हैं, और अगर वो अफोर्डिंग हुआ या कर सकता हुआ या इसके रिसोर्सेज हुए तो वो एक अच्छी जगह पे मूव कर जाएगा, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और पेशेंट भी एक अच्छी जगह पे हेल्थ फैसिलिटी में चला जाएगा। और अगर आप फील कर रहे हैं कि ये पेशेंट इधर ही ट्रीटमेंट कराना जा रहा है, तो आप उसे जो जो आपके पास ऑप्शन है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें। समटाइम्स ये होता है कि पेशेंट वाकई ही क्रिटिकल कंडीशन में आपके पास आता है, उसके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, तो ये चांसेस आप उसे असेस करते हुए शुरू में बता दें। अगर आपके पास सीनियर डॉक्टर मौजूद है, चाहे वो कॉल पे मौजूद है, घर में है, तो आप उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर कॉल पे बात नहीं हो रही, तो अपने तौर पे जो आप असेस करते हैं उनकी फैमिली को आप प्रॉपरली बता सकते हैं कि आपके मरीज की हालत इस वक्त सीरियस नहीं। हम अपने तौर पे अच्छे तरीके से इनकी ट्रीटमेंट करेंगे, और बाकी आप दुआ भी करें अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लेकिन सारी ट्रीटमेंट के बावजूद भी हो सकता है हम इनकी जान ना बचा पाए। ये जी डॉक्टर मथुर, आप अभी ये बात करें कि क्रिटिकल कंडीशंस में बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में अंदाज़ा हो रहा होता है कि शायद इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। ऑब्वियसली आपका जो एक्सपीरियंस है वो आईसीयू में ज़्यादा होता है, जहाँ पर मोस्टली पेशेंट ही ऐसी कंडीशन में आते हैं जो शायद अपने आखिरी वक्त पर होते हैं, उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता है और वहाँ पर एक्सपायरीज भी ज़्यादा होती हैं आईसीयू में। तो ऐसे पेशेंट को डील करना और उनको गाइड करना भी एक उनके अटेंडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना भी इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा हो कि पेशेंट का बचना मुश्किल है, तो उनको अच्छे तरीके से गाइड किया जा सकता है ताकि वो मेंटली तौर पर भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को आता है जब पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल होता है तो उसको 24 आवर सुपरविजन चाहिए होती है। बाज़ुकात हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर हजरात जो हैं, प्रोफेसर डॉक्टर्स जो हैं, वो हॉस्पिटल्स में पूरा टाइम नहीं दे रहे होते जब पेशेंट के साथ किसी तरह से उनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता। मैंने कुछ लोगों को ये भी देखे कि वो अपना पर्सनल नंबर जो है वो पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि किसी भी कंडीशन में अगर तबीयत खराब होती है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। तो इस तरह से कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है, तो हमारी कम्युनिटी में इस तरह से क्यों नहीं होता? या शायद वो टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे होते, या फिर ऐसा भी देखे कि अपने जो उनका टाइम होता है हॉस्पिटल्स में ड्यूटी टाइमिंग, उसके बीच में भी वो टाइम नहीं दे रहे होते। अमूमन सीनियर डॉक्टर्स की तरफ से एक कंप्लेंट आती है, पेशेंट उनके बारे में कंप्लेंट करते हैं। जी देखिए, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट हैं या टर्मिनली इल हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ आपका सिंपथेटिक बिहेवियर होना चाहिए। टिल द एंड आप उनके साथ कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं करेंगे। अगर वो कोई भी बात, समटाइम्स उनके अटेंडेंट्स जो हैं वो ऐसे बेसलेस ऑब्जेक्शन रेज करना शुरू कर देते हैं कि आप ये इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये नहीं सूट नहीं करता, या आप ये इंजेक्शन लगा ना लगाएं, आप फलां वाला इंजेक्शन लगाएं उससे ये बेहतर होते हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो जाहिर है उनकी डोमेन में नहीं आती हैं, वो एक डॉक्टर के करने वाला काम होता है। लेकिन इसमें भी बजाय इसके कि आपने इन चीज़ों को माइंड करें और आगे से उन्हें टॉन्ट करें या स्नब करें, आप उनकी बात सुन लें तहम्मुल से, और उन्हें, चूंकि आप डॉक्टर हैं आपके पास नॉलेज है, आप उन्हें अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डेफिशिएंट है। अगर वो कोई टेक्निकल बात आपके साथ कर रहा है, फिर तो टेक्निकली आप उसे बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं। आप या तो बता दें कि देखिए मेरे ख्याल में ये इंजेक्शन इनके लिए लाइफ सेविंग है, जरूर लगना चाहिए। हाँ बता, अगर आप समझते हैं कि ये इंजेक्शन आपने पहले कभी लगवाया था और इन्हें सूट नहीं करता, तो फिर मैं इस चीज को नोट कर लेता हूँ कि इन्हें इस चीज से एलर्जी है, फिर हम जाहिर नहीं लगाएंगे। तो आप पेशेंट की बात भी समटाइम्स मान लेते हैं,
और एक चीज जो अभी आपने इम्पोर्टेंट बात की कि पेशेंट्स के भी कुछ हकूक हैं। अगर किसी का बाप आपके सामने दम तोड़ रहा है और वो आपको कोई एक इंजेक्शन या ट्रीटमेंट करने की परमिशन नहीं दे रहा, तो डॉक्टर के पास किसी भी सूरत राइट नहीं है वो ट्रीटमेंट करने का। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो ये पेशेंट के और उनके लवाहिकीन के हकूक हैं, उनके राइट्स हैं, वो किसी भी ट्रीटमेंट से रिफ्यूज कर सकते हैं, उन्हें रिफ्यूज करने दें। इसमें डॉक्टर के लिए एक प्लस पॉइंट है, अगर वो कोई भी ट्रीटमेंट से इनकार कर रहे हैं, उन्हें आप सिंपथेटिक वे में समझा दें कि मेरे ख्याल में इन्हें होना चाहिए, इनका ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, हाँ अलबत्ता ये आपका हक है, अगर आप रिफ्यूज करते हैं हम आपकी इजाजत के बगैर कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप काइंडली राइट डाउन कर दें। जब आप दो चार फिक्रे लिख देते हैं कि हम अपनी मर्जी से अपने वाले साहब को वेंटिलेटर पे डालने की इजाजत नहीं देते, या अपनी मर्जी से डॉक्टर साहब को ये वाला इंजेक्शन नहीं लगवाने की इजाजत देते, तो वो उस पे साइन करते हैं, तो आपकी सेफ्टी और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर साइन नहीं भी करते, वो किसी वक्त किसी शक शुबे में मुबतला हो जाते हैं कि पता नहीं डॉक्टर साहब क्यों हमसे साइन अंगूठा लेना चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अगर आप उनके साथ आपका एक अच्छा लेजॉन बन चुका है, वो आपकी बात समझ रहे हैं, आप उनकी बात समझ रहे हैं, तो अगर किसी टाइम पे वो शक शुबे में मुबतला हैं, तो उन्हें इस चीज का इसकी थोड़ी सी स्पेस दें। आप उनके साथ अगर अच्छे तरीके से चलते जाएंगे तो टिल द एंड वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन जो है अच्छी कम्युनिकेशन है उनके साथ, नरम लहजे में उनके साथ बात है, और सारी बातें हैं। पेशेंट को नजर आना चाहिए कि हाँ हमारी बात सुनी जा रही है, हमने जो जो कुछ कहा है हमारी एक एक बात को सुना गया है और हमें एक एक बात का आंसर मिल चुका है। तो फिर अल्लाह का शुक्र है, मैं कोई 15 साल से एमरजेंसी और क्रिटिकल केसेस देख रहा हूँ, डेली बेसिस पे एक्सपायरीज डील करने का मौका मिलता है। इन 15 सालों में कोर्ट में जाना तो दूर की बात कि मेरे या मेरी टीम के खिलाफ कोई पार्टी कोर्ट में गई हो, फिजिकली या वर्बली भी कभी किसी ने अब्यूज नहीं किया अल्लाह का शुक्र है। बल्कि बहुत सारे केसेस में जब आप अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, तो फैमिली मेंबर्स अपने अजीजों कारों की डेड बॉडीज भी हॉस्पिटल से लेके जा रहे होते हैं, इवन देन दे आर रियली वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर बेस्ट एफर्ट्स एंड फॉर योर ट्रीटमेंट। तो मेरे ख्याल में ये करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ नरम अल्फाज, नरम बोल और आपके पेशेंट के साथ अच्छी कम्युनिकेशन जो है, ये सारी की सारी इस चीज को पॉसिबल बना सकती है। सॉरी मेरा माइक ऑफ था। आपने बड़ी प्यारी बात की। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि आपको जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जितना मैंने देखा, मैंने कभी नहीं देखा कि आपने किसी से ऊंची आवाज में भी बात की हो। इवन कुछ अर्सा पहले जो हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर अहमद फारूक, इनके वाले साहब की डेथ हुई थी, और ऑन द सेम डे जिस दिन उनका जनाजा था उस दिन भी हॉस्पिटल के लिए निकले, और उस दौरान जो तजियत के लिए लोग आते हैं उनमें भी बहुत से लोग ऐसे थे जिनको कंसल्टेशन चाहिए थी। मैं डॉक्टर अहमद फरूक को तब भी ऑब्जर्व कर रहा था कि ये अपने वालिद के जनाजे के वक्त भी जब लोग तजियत के लिए आते थे तो उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे थे, और इवन ये कि ये अपना पर्सनल नंबर जो है वो भी पेशेंट्स को प्रोवाइड कर देते हैं कि इन केस किसी को कोई एमरजेंसी होती है या उनको कोई कंसल्टेशन चाहिए होती है तो वो ऑनलाइन भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक ये चीज़ हमें देखने को मिलती है खासकर प्राइवेट सेटअप्स में काम करते हुए कि लोग पेशेंट्स के अटेंडर्स जो हैं वो ठीक होने के बाद जब पेशेंट्स डॉक्टर्स को आके गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो इस इशू पर भी लोगों के मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। आपका क्या ख्याल है कि ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स से गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट करना ठीक है या उनको प्यार से मना कर देना चाहिए? देखिए, एक चीज में तो कोई राय नहीं है कि अगर वो गिफ्ट खास तौर पे कीमती है और आपको नजर आ रहा है कि पेशेंट ने खुद को मुश्किल में डाल के लिए आप के लिए इस चीज का इंतजाम किया है, तो वो गिफ्ट आपको किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हाँ अलबत्ता कुछ चीजें आपको नजर आ रही होती हैं कि जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, बच्चों के साथ उनकी डीलिंग होती है,
तो कोई बच्चा खुशी से डॉक्टर साहब के लिए कोई चॉकलेट ले आया या ऐसे कोई छोटा सा गिफ्ट जिसकी जाहिर कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो चूंकि पेशेंट की तरफ से बंडल ऑफ थैंक्स है। या अक्सर आपने देखा होगा कि अगर अल्लाह ने किसी को औलाद की नेमत से नवाजा है तो उनके घर वाले डॉक्टर साहब के लिए मिठाई का डिब्बा ले आते हैं या हॉस्पिटल में लोगों को मिठाई बांटते हैं। तो अगर उस मिठाई के डिब्बे में से आप थैंक यू बोलते हुए स्वीट्स ले लेते हैं तो ये कोई वायलेशन नहीं है एथिक्स की। आपने बेसिकली उस पेशेंट के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप किया और आपने उसका दिल रखा, जिसे आम जुबान में कह सकते हैं। तो छोटे मोटे गिफ्ट या किसी ने आपको आपके लिए बुके ले आया कि उनकी वालदा को लल्ले से तंदुरुस्ती दी है, डॉक्टर साहब हम आपको बहुत शुक्रगुजार हैं उसने आपको बुके पेश कर दिया, तो आप एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अगर इससे बियॉन्ड है, कोई बहुत कीमती सूट आपके लिए ले आया है या आपके लिए बहुत कीमती तहाइफ ले आया है, तो आप उसे रिजेक्ट करें और नरमी के साथ प्यार के साथ रिजेक्ट करें कि उसका दिल भी ना टूटे, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सही। अभी हम अपने सेशन को एंड करते हैं। अभी लास्ट में मैं आपसे थोड़ी अपडेट्स लेना चाह रहा हूँ। जो कोविड की कंडीशन है हमारे मुल्क में, जो सेकंड वेव के बारे में बताया जा रहा है, और उसके साथ साथ अभी रिसेंटली कोविड की वैक्सीन जो है चाइना ने दी है हमें, और जो मेडिकल कम्युनिटी है उनको वो लगाई जा रही है। तो साथ ही साथ हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर है यास्मीन राशिद, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि आप अपने ऑन पर ये इसको यूज़ करें, वैक्सीन को लगवाएं, हम कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। तो क्या ख्याल है, इस वैक्सीन पर ट्रस्ट है मेडिकल कम्युनिटी को? देखिए, ट्रस्ट तो है और होना भी चाहिए। जाहिर है इस वैक्सीनेशन ने सारे SOPs पूरी किए हैं तब मार्केट में अवेलेबल हुई है, तो ये डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए और आम कॉमन पब्लिक के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में। आप इसे लगवाएं, मैं तो रिकमेंड करूंगा, जरूर लगवानी चाहिए। तो बल्कि इस पे शकुक शुबहात और जिसे आम जुबान में कहते हैं कि आप जो है वो नखरे कर रहे हैं कि हमने ये वैक्सीन नहीं लगवानी, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपकी सेफ्टी के लिए है, आपकी प्रिवेंशन के लिए है, आप इसे जरूर लगवाएं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वैक्सीन आपको लग चुकी है? नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं लगवाई क्योंकि अभी फिलहाल हमारे हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुई, जो ही स्टार्ट होगी मैं लगवाऊंगा। ठीक है, इसके कोई साइड इफेक्ट भी देखने में आ रहे हैं वैक्सीन के? इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो एलर्जी है। आपको पता है ये प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं वैक्सीन जो है, तो कोई भी प्रोटीन जो है वो बॉडी में जाके एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकती है, तो इसका कॉमन साइड इफेक्ट एलर्जी है। इसके अलावा कोई ज्यादा साइड इफेक्ट इसके अभी देखने में नहीं आए। ठीक है। अभी कोविड की अपडेट्स के बारे में, कोविड की जो सेकंड वेव है ये पहले से ज़्यादा खतरनाक है या कुछ केसेस कंट्रोल हो रहे हैं, आपका इसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है? देखें, बहुत सारी मिसकंसेप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो एज ए प्रोपेगंडा हैं। मेरे ख्याल में ये वाली जो सेकंड वेव है कोविड की, इसे डील करना फर्स्ट वेव के मुकाबले में 10 टाइम्स इजियर है। आई एम मोर कंफर्टेबल डीलिंग विद द सेकंड वेव। इसमें सही। मुझे तो कोई ऐसा एलिमेंट नजर नहीं आया कि ये वाला वायरस पहले से 70 टाइम्स मोर डेंजरस है या 10 टाइम्स मोर डेंजरस है। मैं तो कहता हूँ 10 टाइम्स लेस डेंजरस है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सेकेंड वेव इज नॉट अकम्पनाइड बाई एनी कोविड टेरर आर कोविड फियर। ये कोविड फ्री वेव है। इसमें पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी बहुत ज्यादा हैरेसमेंट का हैरेसमेंट शो नहीं की जा रही। लोग रिलेटिवली कंफर्टेबल हैं। पहले जो हमारा क्राइसिस आया था कोविड का, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि पब्लिक भी बहुत ज्यादा खौफ हरास का शिकार थी और अनफॉर्चुनेटली कुछ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने भी पेशेंट्स को हाथ लगाना गवारा नहीं किया। वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में चले गए। अगर उनके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट थे भी, तो उन्होंने पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया।
अगर उस वक्त भी अच्छे तरीके से पेशेंट्स को हैंडल किया जाता, उन्हें सिर्फ हॉस्पिटल में बेड मिल जाता, ऑक्सीजन मिलती, तो उनमें से बहुत सारों की लाइफ सेव की जा सकती थी। अब सेकेंड वेव में ये जो खौफ हराज का एलिमेंट है बहुत हद तक कम है। बहुत सारे मरीज जो हैं उन्हें हॉस्पिटल में बेड मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है, जिसकी वजह से सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। तो सेकेंड वेव जो है ये पहली वाली वेव के मुकाबले में इसमें हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मोर्टेलिटीज कम हुई है। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर अहमद फरूक, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमें अंदाज़ा है आपके टाइम कितना कीमती है, आप अभी भी आप ऑन ड्यूटी हैं, हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इंशाल्लाह अब वेरी सून हम आपके साथ मजीद भी टॉपिक्स पे डिस्कशन करते रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। ओके, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।